अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे होममेड मोज़रेला चीज़। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 लीटर इतना फ्रेश दूध लिया है। दूध को हल्का सा गर्म करना है, फिर इसके बाद एक हाथ से हम इसे बीटर से हिलाएंगे और एक हाथ से विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर जो है बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें हम ऐड करना है और बहुत धीरे से सुस्ती से हमें इसमें चम्मच जो है चलाना है। मोज़रेला चीज़ के लिए दूध जो है फ्रेश ही होना चाहिए। फ्रिज का या फिर कल का रखा हुआ दूध बिल्कुल भी ना लें, बस इसमें फ्रेश दूध का ही इस्तेमाल करें, तभी आपकी मोज़रेला चीज़ जो है परफेक्ट बनेगी। 3 लीटर इतना दूध के लिए मैंने यहाँ पर लिया था 1/2 कप इतना विनेगर, जो कि पूरा मैंने इसमें डाल दिया था। विनेगर पूरा इसमें डाल देने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे से चम्मच से हमारा जो चीज़ है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ और पानी दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो हम इसमें से हमारा चीज़ जो है कलेक्ट करेंगे, सारा एक छन्नी में निकाल लेंगे। सारा चीज़ जो है इसमें से निकालने के बाद एक बर्तन में पानी लेना है और उसे अच्छे से गर्म करना है। उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और ये पानी जो है अच्छा सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें जो हमारी चीज़ है वो डाल देंगे और उसे गर्म पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे और इसे एक स्ट्रेनर और 1 चम्मच की मदद से पानी में डुबो डुबो कर निकाल लेंगे, ताकि हमने इसमें जो विनेगर डाला था उसका खटास पर निकल जाए। इस तरह से हमें 4 से 5 बार लगातार इसे करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, इसे स्किप बिल्कुल ना करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें आइस वाटर लेना है एक बर्तन में, और आइस वाटर में हम ये जो हमारा चीज़ है वो आइस वाटर में डाल देंगे और सेम जैसे हमने गर्म पानी में इसे डुबो डुबो कर निकाला था, सेम वैसे ही हम इसे आइस वाटर में भी निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसे गर्म पानी से निकालते ही बर्फीले पानी में डाल दिया है। अब इसे भी हम डुबो डुबो कर निकाल लेंगे और इसका जो सारा पानी है निचोड़ कर निकाल लेना है। बर्फ़ के पानी में 3 से 4 बार इसे डुबो कर निकालने के बाद हम इसे एक छन्नी में रख देंगे, ताकि इसमें जो भी पानी बचा कुचा है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रखना है, फिर इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो सैंडविच या फिर पराठे में। हमारा चीज़ है रेडी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।